वाजपेयी के हनुमान कहलाए और 9 बार संसद में रहे जसवंत सिंह के बारे में पूरा विश्व अच्छी तरीके से जानता है। जसवंत सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व की वजह से उनको पूरे संसद के सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से अलग पहचान हर बार मिली। जसवंत सिंह जी का आज जन्मदिन है और जसवंत सिंह जी के राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके साथ लोकसभा चुनाव में चीफ इलेक्शन एजेंट रहे, उनके साथ काफ़ी वक्त उन्होंने बिताया और उन पर लिखी गई कई किताबें भी उन्होंने पढ़ी और उसके बारे में उनका काफ़ी ज्ञान भी है कि जसवंत सिंह जी का राजनीतिक जीवन क्या और कैसा रहा। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी भियाड़ है, हम उनसे बातचीत करते हैं और जसवंत सिंह जी की राजनीति के बारे में जो कई अनछुए पहलू हैं उन पर एक बार उनसे बात करके नज़र डालते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि बाड़मेर के सबसे बड़े राजनेता के रूप में जसवंत सिंह को आखिर क्यों पहचाना जाता है। स्वागत है राजेंद्र सिंह जी की भियाड़ का। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह जी से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, उनसे जानते हैं। राजेंद्र सिंह जी, जसवंत सिंह जी का जो राजस्थान की राजनीति है इसके परिदृश्य से क्या महत्व हम लोग माने, जो लोग उनके बारे में कम जानते हैं उनको अब ये बताएं कि जसवंत सिंह जी की आखिर राजस्थान और भारत की राजनीति में जो महत्व है वो क्या था। देखिए, राजस्थान की राजनीति में पिछले 70 वर्षों में 3 बड़े नाम अपन समझ सकते हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया, भैरव सिंह जी शेखावत और तीसरा नाम जसवंत सिंह जी। ये 3 बड़े नाम हैं जो राजस्थान की राजनीति से बाहर भी, जिनका एक नेशनल लेवल था। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया और भैरव सिंह जी की राजनीति राजस्थान के हिसाब से रही। जसवंत सिंह जी एकमात्र इनमें से ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति में जिनका दखल रहा, जिन्होंने बड़े महत्वपूर्ण महकमों को संभाला और देश की पॉलिसी मेकिंग में पहले राजस्थानी थे जिनका योगदान रहा। पिछले 70 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई राजस्थानी नहीं रहा सियासी लोगों में से जो देश की पॉलिसी मेकिंग में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाया। ये जसवंत सिंह जी की अन्य राजनेताओं से एक अलग पहचान रही, एक अलग महत्व रहा, जिसको आपने सिग्निफिकेंस कहा, ये सिग्निफिकेंस उनका अलग से। राजेंद्र सिंह जी, हर राजनेता का एक इतिहास, चुनावी इतिहास भी होता है, राजनीतिक इतिहास भी होता है। जसवंत सिंह जी की राजनीतिक जो यात्रा थी उसके कई उतार चढ़ाव रहे होंगे, हर राजनेता के साथ रहते हैं, ऐसे कोई उतार चढ़ाव हो जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं। देखिए, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स जो है हर एक राजनेता के जीवन में रहते हैं, वैसे ही जसवंत सिंह जी के जीवन में रहे। पहला चुनाव उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र उम्मीदवार के नाते विधानसभा का लड़ा 67 में और वो ओसियां से लड़ा। आप देखिए, वो चुनाव हार गए, बड़े मार्जिन से हारे, मेरे ख्याल से उनकी डिपॉजिट भी शायद नहीं बचा पाए। इस तरह से उनकी पॉलिटिकल लाइफ चालू हुई और बड़ा आनंद है कि अब आखिरी चुनाव भी उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते, स्वतंत्र उम्मीदवार के नाते लोकसभा का लड़ा, जो लॉस्ट कर गए। इस बीच में वो 5 दफ़े राज्यसभा में रहे, 4 दफ़े लोकसभा में रहे, लोकसभा का एक चुनाव उन्होंने हारा, कुल जमा 7 चुनाव उन्होंने लोकसभा के लड़े, तो सॉरी 6 चुनाव उन्होंने लोकसभा के लड़े, 6 में से 4 चुनाव उन्होंने जीते और 2 चुनाव उन्होंने हारे। और इस बीच में कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर वो रहे, कभी पर्दे के पीछे रहे, कभी पर्दे के बाहर रहे। तो जो अप्स एंड डाउन्स आती है, जो सिग्निफिकेंस आप जिसको एक समझते हैं बड़ी महत्वपूर्ण, कि निर्दलीय प्रत्याशी के नाते उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को चालू किया और निर्दलीय प्रत्याशी के नाते ही उनकी राजनीतिक यात्रा पूरी हुई। बहुत बड़े पद एक राजनेता के पास रहना लगता नहीं कि आज दिन तक रहे होंगे, संभवतः वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी रहे। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि NDA के शासनकाल में सरकार का हिस्सा बने रहने के साथ जसवंत सिंह जी की क्या भूमिका उस दौरान रही। वाजपेयी जी का जो 6 साल का कार्यकाल था उसमें जसवंत सिंह जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे। देखिए, वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन से चालू हुए, तो प्लानिंग कमीशन में जैसे ही उन्होंने रिफॉर्म्स का दौर शुरू किया उसके बाद उनको विदेश मंत्रालय में भेज दिया गया और विदेश मंत्रालय पर उनकी जो छाप रही, लोग ऐसा कहते हैं कि नेहरू के बाद में, मरहूम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद में किसी ने सबसे तरीके से रीशेपिंग इंडिया की पॉलिसी मेकिंग को फॉरेन अफेयर्स के मामले में किया तो जसवंत सिंह जी है। चाहे वो लुक ईस्ट की पॉलिसी हो,
चाहे आपकी लाहौर डिक्लेरेशन हो, चाहे आपके अमेरिका के साथ में जो है आफ्टर कोल्ड वार नए संबंधों को बनाने की बात हो, देश इजराइल के साथ हो, मिडिल ईस्ट के साथ हो, विदेश मंत्रालय पे जसवंत सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जैसे ही उनके पास डिफेंस का चार्ज आया तो उन्होंने, क्योंकि वो खुद फौजी बैकग्राउंड से थे, तो फौज के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए और फौज की सहूलियतों के लिए, इन दोनों के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तीसरी बात, जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो जटिलताएं थी उनको बहुत सरल किया। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनको तब भेजा जब चुनावी साल था, तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को बैलेंस भी रखना है और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जनता से दूर भी नज़र नहीं आए। बड़ा सरल सा उन्होंने उसमें नारा दिया था कि भाई मेरी जो है फाइनेंस पॉलिसी बहुत सरल है कि गृहिणी की टुकिया में आना और गरीब के पेट में दाना। इतना सरल इकोनॉमी का मंत्र मुझे याद नहीं आता कि किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया होगा। तीसरी बात, जितनी भी टास्क फोर्सेज बनी महत्वपूर्ण आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो आज आप ये मोबाइल इतने हर आदमी के हाथ में देख रहे हैं, ये सारी टास्क फोर्स उनकी अध्यक्षता में बनी। प्रौद्योगिकी को लेकर के टास्क फोर्स बनी, करीबन 15 से ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग को लेकर, आपकी हाइड्रोकार्बन पॉलिसी है, आपकी परमाणु बम की पॉलिसी है, इन सब को लेकर के इनको आगे ले जाने का जो टास्क था, जो जिम्मा था, उन सब टास्क फोर्सेज के और कई ऐसे महत्वपूर्ण ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के वो चेयरमैन थे जिससे सरकार की पॉलिसीज बनी। तो आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली वाजपेयी सरकार को किसी ने डिस्टिंक्शन मार्क दिलवाए हैं तो उस व्यक्ति का नाम जसवंत सिंह। उनकी एक अलग पहचान उनके राजनीतिक जीवन में रही है, संसद में भी उनको एक अलग नेता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में जाना और पहचाना गया है। जसवंत सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब भी मिला है। संसद में जसवंत सिंह जी का योगदान क्या रहा? देखिए, बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिलना ही अपने आप में बताता है कि उनका जो संसदीय जीवन था, चाहे वो राज्यसभा में रहे हो चाहे लोकसभा में रहे हो, एक तो जो संसदीय नियम कायदे थे उनकी उनको भारी समझ थी और वो एक बेसिकली जेंटलमैन पॉलिटिशियन थे, तो संसद के नियम कायदे के हिसाब से बोलते थे। उनकी बहस का जो स्तर था वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता था। वो कभी भी संसद की जो है हुल्लड़ गैंग, जिसको आप कह सकते हैं, उस हुल्लड़ गैंग में कभी शामिल नहीं रहे। उनकी गिनती हमेशा गंभीर सीरियस पार्लियामेंट्रियन में रही और अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनके पार्लियामेंट्री जो प्रदर्शन था उनका संसद में, अक्रॉस द पार्टी लाइन जसवंत सिंह जी को ऐसे जो दो चार लोग थे पूरी पार्लियामेंट में जिनको सब लोग बड़ी गंभीरता से सुनते थे, उनमें से जसवंत सिंह जी एक थे। और स्पेशली उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी डिफेंस इश्यूज़ पे, फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज़ पे, इवन आपके एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, इन सब इश्यूज़ पे तो उनकी एक तरह से अथॉरिटी थी, वो वॉइस थे इंडिया की। राजेंद्र सिंह जी, हर राजनेता का एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है, व्यक्तिगत उनके अनुभव भी होते हैं। आपकी शायद काफ़ी वक्त उनका बीता है, शेयर किए होंगे। कुछ ऐसे बताएंगे कि एक रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, एक 9 बार के सांसद रहे हुए व्यक्ति, उनकी निजी ज़िंदगी क्या थी, उनको क्या पसंद था उस वक्त जब इतने बिजी रहते थे, तो अपना वो कैसे अपने लिए वक्त निकालते थे? देखिए, जसवंत सिंह जी को आप 24 आवर्स का पॉलिटिशियन डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको 24 घंटे का राजनेता आप नहीं मान सकते। उनके भीतर एक लेखक भी था, उनके भीतर, अच्छा, उनका सबसे बड़ी जो चीज़ थी, आप देखिए कि जो दिल्ली की, जिसको आप लुटियंस जोन कहते हैं, जहाँ सारे सियासी लोग रहते हैं, उस लुटियंस जोन में उनकी जो निजी लाइब्रेरी थी, वो आप समझिए इतनी बड़ी निजी लाइब्रेरी दिल्ली में बहुत कम लोगों के पास है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की हज़ारों पुस्तकें, और अपनी पुस्तकों के बीच में वो रमे ही रहते थे, दिन भर खूब पढ़ते थे। और अक्सर वो मजाक में कहते भी थे कि भाई मैं दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं, खर्च करता हूँ, एक मेरी पुस्तकें हैं और दूसरा उनको स्कॉच का बहुत शौक़ था, तो ये दो चीज़ें हैं जिन पे मैं खर्च करता हूँ। तो पुस्तक उनके पास में, और पुस्तक प्रेमी थे। संगीत का उनको बहुत शौक़ था, गज़ल सुनते थे, पुरानी गज़लें सुनते थे। और आप देखिए, जो अपना रेगिस्तान का जो म्यूज़िक है, पुराने भजन हैं, स्पेशली जो लांगा मांगनियार का अपना जो यहाँ का संगीत है रेगिस्तान का, उसको खूब सुनते थे हल्की आवाज़ में। उनके स्टडी रूम में अक्सर गज़लें और ये सारा संगीत जो है क्लासिकल पश्चिम का संगीत भी खूब सुनते थे। तो मतलब उनकी जो रुचियाँ थी वो बड़ी परिष्कृत रुचियाँ, जिनको आप कह सकते हैं, पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना,
स्पिरिचुअलिटी में भी उनका खूब रुचि थी, खूब ईश्वरदास जी की काफ़ी अनन्य, ईश्वरदास जी भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनके साहित्य को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रकाशित किया, खूब कोट करते थे ईश्वरदास जी को। आपने देखा होगा चुनाव के समय भी, अपनी चुनावी रैली में भी उन्होंने पहला जो है वो ईश्वरदास जी के दोहे से ही शुरू किया, ईश्वर घोड़ा जो क्या। बेसिकली उनकी रुचि स्पिरिचुअल थी, तो चाहे ईश्वरदास जी हो, बाला सती जी हो, गीता, रामचरित मानस, वेद, खूब भारी और गहरा अध्ययन था। ये अपने आप में एक रेयर क्वालिटी होती है किसी भी शास्त्रीय व्यक्ति में, इस तरह की रुचियाँ होना। बाड़मेर, राजस्थान और भारत की बात छोड़ दें, सबसे पहले तो बाड़मेर की बात छोड़ दें, विश्व पटल पर अगर सबसे बड़े और चर्चित राजनेता का नाम रहा तो वो जसवंत सिंह का अभी तक रहा है। विश्व पटल पर उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे राजनेता के रूप में देखते हैं आप? देखिए अपने आप में कितना बड़ा मिरेकल लगता है कि एक बाड़मेर जिले का रेगिस्तान का गांव जसोल, और वहां से कोई आदमी निकल करके और भारत को, हिंदुस्तान को दुनिया के ग्लोबल नक्शे पर रिप्रेजेंट करता है बड़ी शान के साथ, और यूनाइटेड नेशन में कोई यहाँ का साफा बांध करके और हिंदुस्तान की बात करता है। तो ये जो उनकी लीडरशिप की क्वालिटी थी, ये जो उनकी नेतृत्व की क्षमता थी, और उस क्षमता का कायल दुनिया के पॉलिसी मेकर्स लोग रहे। आप देखिए स्टाफ टॉलबोर्ट जो उस समय में अमेरिकन विदेश उपमंत्री थे, उन्होंने एक किताब लिखी, जसवंत सिंह जी की पर्सनलिटी पे ही वो किताब है, एंगेजिंग इंडिया, और उन्होंने लिखा कि मैंने यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में दुनिया के नेताओं को आते हुए देखा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरे पर किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी छाप पड़ी है तो जसवंत सिंह जी की इस क्वालिटी की पड़ी है। तो लीडरशिप की जो क्वालिटी थी, आप देखिए मैडलिन ऑलब्राइट जो उस समय की अमेरिकन विदेश मंत्री थी, वो खूब प्रभावित थी। इस क्लास के दुनिया के सारे नेता और उनकी नेतृत्व क्षमता के, उनकी ज्ञान के, उनकी बात रखने के तरीके के, तो ये सारा कुछ जो यहाँ से आप देखिए एक रेगिस्तानी बालक से लेकर के और हिंदुस्तान के बड़े सियासी होने का जो सफ़र है, मैं तो इसको अपने आप में एक बड़ा मिरेकल, बड़ा आश्चर्य मानता हूँ कि उन्होंने कितना अपने आप को निर्मित किया, और इसमें यहाँ की मिट्टी का जो करैक्टर था उसको उन्होंने आखिरी वक्त तक, आज दिन तक नहीं छोड़ा है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनके अंदर यहाँ का जो करैक्टर था, झूठ नहीं बोलना, झूठे वादे नहीं करना, अपनी बात पर कायम रहना, ईमानदारी बरतना, सरलता रखना, किसी से किसी के साथ धोखा नहीं करना, तो ये सारा करैक्टर उनके बीच। जैसा कि एक परंपरा भी होती है, हर बार एक सवाल जरूर किया जाता है कि घर के लिए क्या किया। जसवंत सिंह जी के बारे में भी ये सवाल कई बार लोकसभा चुनाव में भी उठा कि जसवंत सिंह जी का बाड़मेर को क्या योगदान रहा। तो चुनाव बीत गए हैं लेकिन जवाब आपसे चाहेंगे, जसवंत सिंह जी का बाड़मेर को योगदान क्या रहा? उनका खुद का हमेशा कभी गिनाने का स्वभाव नहीं रहा जैसा आम राजनेताओं का होता है, लेकिन बड़े जो आप देखिए कि ये ब्रॉडगेज की अपनी लाइन बिछी है, ठीक मुनाबाव से लेकर के दिल्ली तक की ये जो ट्रेन की सुविधा है ये उन्हीं की विशुद्ध रूप से देन है। ये जो पानी आया है इंदिरा गांधी कैनाल का, नहर का पानी, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए ये उन्होंने उसी समय इसकी शुरुआती फंडिंग और शुरुआती योजना सारी कर दी थी। आपकी जो नर्मदा यहाँ आई है ये 100% उनकी ही सोच का हिस्सा था, और वो यहाँ से इस पूरे बॉर्डर एरिया में ले जाना चाहते थे। इस बीच में सरकार पलट गई, इस जिले को, बाड़मेर जैसलमेर दोनों को जो है मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में करवाने का, और उससे भी बड़ा कि जो हमारी इधर से जो सिंध के साथ में जो हमारी कनेक्शन थी, उस कनेक्शन को करने के लिए आप देखिए कितनी बड़ी एक ऐतिहासिक यात्रा वो अपने ही वाहनों में यहाँ सब जाति धर्म के लोगों को लेकर के फिर बलूचिस्तान तक गए, और उससे बड़ी सद्भावना बनी। और मुशर्रफ जैसे मतलब तानाशाह शासक के समय आप कह दीजिए कि उन्होंने इस रेलवे लाइन को शुरू करवाने में एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा किया।